नमस्कार फ्रेंड, आज 19 जून है और हम आपके लिए लेके आए हैं आज के करंट अफेयर। आज हम लेके आए हैं 11 से 12 क्वेश्चन और कल की ही तरह हमारे पास एक है बोनस क्वेश्चन। कल के विजेता हम जल्दी घोषित करेंगे और देखते हैं कि आज का विजेता कौन हो सकता है। जो भी आपको सही उत्तर लगता है जवाब का वो आप दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हम एक विजेता घोषित कर सकें और पेटीएम का गिफ्ट वाउचर या पेटीएम कैशबैक दे सकें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5.5 लाख रुपीज पर फैमिली टू पाकिस्तानी रिफ्यूजी। तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने अभी अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है 5.5 लाख रुपए का एक फैमिली को, इसको पाकिस्तान की रिफ्यूजीज को। बाकी हमारे ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, बट जो राइट आंसर है वो है इंडिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ $700 मिलियन, देखिए $700 मिलियन एड टू इम्प्रूव द कंट्रीज प्राइमरी, विच कंट्रीज प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है? वी हैव ऑप्शन बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार एंड नेपाल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बैंक ने किसको लोन दिया है 700 मिलियन का? द आंसर इज बांग्लादेश। वी हैव इंडिया, म्यांमार एंड नेपाल ऑल्सो एज द ऑप्शन, बट द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। विच प्लेयर हैज़ वन द सेकंड यूएस ओपन गोल्ड 2018 टाइटल रिसेंटली, मतलब किसने यूएस ओपन गोल्ड 2018 का टाइटल जीता है दूसरी बार? इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन है पैट्रिक रेड, जिम वॉकर, ब्रुक्स कोपका और पॉल कैशी। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वो है ब्रुक्स कोपका। ये अभी 2018 में हुआ था, यूएस ओपन गोल्ड होता है, पहले बार जीता था ब्रुक्स कोपका ने और ये दूसरी बार उन्होंने जीता है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, कि कोलंबिया का नया प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही जवाब है हमारे पास इवान ड्यूक। वी हैव ऑप्शन इज ड्यूक मैनुअल, एल्वारो उर्वशी, टीम लियोनजिम एंड इवान ड्यूक। सही उत्तर है वो है इवान ड्यूक। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आप चैनल के सारे अपडेट्स अपने नोटिफिकेशन पे और मेल पे पा सकें। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन आउट देयर, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट अ लिस्ट ऑफ द टॉप 10 रिवर्स हैज बीन डर्टी द सी इंक्लूडिंग द नेम ऑफ विच इंडियन रिवर। तो इंडिया की कौन सी रिवर है जो कि टॉप 10 डर्टी रिवर्स में आती है, जो कि समुद्र को गंदा कर रही है? तो सबसे बड़ी रिवर है हमारी गंगा। वी हैव ऑप्शन ऑफ यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, बट जो सबसे डर्टी रिवर है या फिर जो सबसे ज़्यादा गंदा करती है समुद्र को, उसका सही जवाब है हमारे पास गंगा। वी हैव सिक्स क्वेश्चन आउट देयर, मैकेडोनिया कंट्री हैज चेंज इज नेम टू व्हाट्स न्यू नेम? तो इसका सही जवाब है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन मैकेडोनिया। वी हैव फोर ऑप्शन आर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन मैकेडोनिया, रिपब्लिक ऑफ साउथर्न मैकेडोनिया, ईस्टर्न रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया, रिपब्लिक ऑफ वेस्टर्न मैकेडोनिया। जो सही उत्तर है वो है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन मैकेडोनिया। वी हैव सेवेंथ ऑप्शन और द सेवेंथ क्वेश्चन आउट देयर, कंसर्न्ड व्हाट कैम कासा, KAMCASA इज करेंटली इन द डिस्कशन। कैम कासा किसके लिए है? कम्युनिकेशन एंड डिफेंस एग्रीमेंट के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। मिलिट्री सेटलमेंट के लिए नहीं है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए भी नहीं है, क्रूड ऑयल एग्रीमेंट के लिए भी नहीं है। तो कैम कासा वो है कम्युनिकेशन एंड डिफेंस एग्रीमेंट के लिए। वी हैव एट्थ क्वेश्चन आउट देयर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च GPS बेस्ड मोबाइल पुलिस सर्विस टू प्रिवेंट क्राइम? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने GPS की बेसिस पे मोबाइल पुलिस सर्विस को किया है लॉन्च? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। ये हमारे जो चार ऑप्शन है, चारों ही सेवन सिस्टर्स के हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम एंड मेघालय। तो जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा। वी हैव नाइन्थ क्वेश्चन ओवर देयर, कि नेशनल योगा ओलंपियाड 2018 बीन ऑर्गेनाइज, जो नेशनल योगा ओलंपियाड 2018 हो रहा है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? वो ऑर्गेनाइज हो रहा है न्यू दिल्ली में, द कैपिटल ऑफ इंडिया। वी हैव ऑप्शन है जयपुर, द पिंक सिटी, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड गोवा। तो जो सही जवाब है वो है न्यू दिल्ली। वी हैव टेंथ क्वेश्चन और द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आउट देयर, रिसेंटली इंडिया साइंड अ प्री एस्टिमेट एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट विद विच कंट्री और द विच कंपनी? आंसर इज गूगल। इंडिया ने एक प्री एस्टिमेट और रेस्क्यू एग्रीमेंट साइन किया है गूगल के साथ, एंड बाकी ऑप्शन है हमारे पास याहू, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। और जो सबसे बड़ी कंट्री और बिग जाइंट है आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में वो है गूगल, और इंडिया ने साइन किया है ये एग्रीमेंट गूगल के साथ। वी हैव द लास्ट क्वेश्चन आउट देयर,
where is the 7th international conference of OPEC held? OPEC है oil producing countries और oil producing eastern countries. तो उनकी जो 7th international conference है वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है वियना में. We have options as London, Singapore, Vienna and Paris. तो जो सही जवाब है वो है वियना. Now we have the bonus question out there or the quiz of the day. Who is the CEO? That is Chief Economic Officer या फिर Chief Officer and MD, Managing Director of ICICI Bank. तो ऑप्शंस हैं हमारे पास राम सिंह भटनागर, चंदा कोचर, एस सुनंदन, पी भारती. तो आप बताइए हमें इसका क्या जवाब है सही. आप हमें कमेंट करिए. जो भी विजेता होगा हम उसको पेटीएम का कैशबैक और कैशबैक कूपन देंगे एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्राइज. तो ये थी हमारी आज की वीडियो करंट अफेयर के रिगार्डिंग 19 जून की. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को लाभ उठा सकें. बाय. जय हिंद.